Assalamualaikum Digital Alliance के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अस्सलाम Digital Alliance देखने वालों को खुशामदीद। हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें कहा था अपकमिंग वेडनेसडे को एक मूवी आने जा रही है जिसका नाम है हीरावती। एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का फैक्ट उस मूवी में नजर आया, मूवी में यानी कि बात सुनने को मिली जैसे स्क्रीनिंग की गई उसकी इंडिया में और दिखाई गई वो मूवी। तो उसने कहा उनके डायरेक्टर ने उनके प्रोड्यूसर ने कि हमने इस मूवी में पाकिस्तानी अदाकारों को लेना था, मगर 2016 में जब पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात खराब होना शुरू हो गए उसके बाद हम पाकिस्तानी अदाकारों को नहीं ले सके। हम बहुत ज्यादा ख्वाहिशमंद थे कि इस मूवी में हमारे साथ पाकिस्तानी अदाकार काम करे और पाकिस्तानी अदाकारों के साथ हम इस मूवी को लेकर चले और नेटफ्लिक्स पर ये मूवी जब लगे तो वाकई लोग ये अदाकारी बहुत जबरदस्त किस्म की रही है, ये मूवी बहुत जबरदस्त किस्म की रही है और इसमें पाकिस्तानी अदाकारों को लेकर आपने बहुत अच्छा किया। प्रोड्यूसर ने कहा कि पिछले 18 साल से हम इस मूवी का स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं और इसकी पोस्ट प्रोडक्शन में काम करते चले जा रहे हैं, मगर आखिरकार ये मूवी जब बनती है 2016 में फैसला किया इस मूवी में हम फवाद खान इमरान अब्बास और साथ साथ माया खान को लेंगे तो उसके बाद पाकिस्तान पर इंडिया का रुझान खराब हो गया जिसके बाद संदेह दोनों अदाकारों को मूवी में नहीं लिया और उनकी जगह पे हमने इंडिया के अदाकारों को लेना था। और आखिरकार ये मूवी हमें फर्स्ट मई 2024 को देखने को मिली है और आपको मुझे पता है इंतजार कर रहे होंगे अब इस मूवी के रिव्यू का। अगर आप इस मूवी का रिव्यू देना चाहते हैं तो नीचे लिखें जी यस रिव्यू दें, हम आपको अगले दिन इस वीडियो का रिव्यू देंगे। इंशाल्लाह इसका रिव्यू जल्दी आने वाला है। आप मुझे बताइए अगर इस हीरा मंडी मूवी में फवाद खान माया खान इमरान अब्बास से तीनों अदाकार होते तो क्या इस मूवी को देखने का और ज्यादा मजा आ रहा था या नहीं, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।